घूमने के हैं शौकीन तो हो जाएं तैयार। भारत के ड्राइविंग लाइसेंस से आप इन देशों की कर सकते हैं सैर। अक्सर बहुत से लोगों के मन में दूसरे देशों में घूमने की चाह होती है। सबका सपना होता है कि वह भी गाड़ी चलाते हुए विदेश में घूमे, लेकिन कई बार हम इस बात से निराश हो जाते हैं कि हमारे पास तो भारत का ड्राइविंग लाइसेंस है, हम इससे विदेश में कैसे घूम सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपके पास भारत के किसी भी राज्य का ड्राइविंग लाइसेंस है तो समझिए आपकी विदेश घूमने की चाहत पूरी हो सकती है। जी हाँ, आपका विदेश घूमने का सपना सच हो सकता है। शायद आप नहीं जानते कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस से कई देशों में गाड़ियां चला सकते हैं, वहां पर घूम सकते हैं और अपने विदेश घूमने के शौक को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग देशों में इसके लिए अलग अलग नियम और कानून भी हैं। तो जान लीजिए कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस से किन किन देशों में गाड़ी चला सकते हैं। आप अपने लाइसेंस से विश्व के 6 देशों में घूम सकते हैं, वहां की गाड़ी चला सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, नॉर्वे और इंग्लैंड में गाड़ी चला सकते हैं। स्विट्जरलैंड में गाड़ी चलाने के नियम, अगर आप स्विट्जरलैंड की गलियों में घूमना चाहते हैं तो आप आराम से वहां की वादियों के मजे ले सकते हैं। लेकिन वहां भारत का ड्राइविंग लाइसेंस केवल 1 साल के लिए ही मान्य होता है। जर्मनी में भारत के ड्राइविंग लाइसेंस से आप वहां की सड़कों पर मजे लेकर गाड़ी चला सकते हैं। जर्मनी में आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में भी आप 1 साल के लिए गाड़ी चलाकर मौज ले सकते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में गाड़ी चलाने के लिए आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस पर आपकी फोटो और साइन होने चाहिए। इंग्लैंड में भी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर 1 साल तक ड्राइव कर सकते हैं। यदि हम इंग्लैंड के नियमों की बात करें तो आप यहां केवल हैचबैक गाड़ियां और दो पहिया वाहन ही चला सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी चलाकर घूमने के लिए आपको किसी भी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप नॉर्वे में घूमना चाहते हैं तो आपको यहां पर कम समय में ही अपनी जिंदगी के पल जीने होंगे, क्योंकि नॉर्वे में 3 महीने तक ही आपका लाइसेंस चलेगा। यदि 3 महीने के बाद आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया तो ये कानूनन जुर्म होगा।